प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड का ये शेयर जो कि ट्रेड कर रहा है 208 रुपए के आसपास। आज की डेट है 5 सितंबर 2020। क्या आने वाले समय में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है? क्या कहते हैं इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक की बेस्ट बाइंग प्राइस क्या हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट्स जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों ने प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड की डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो मांगी थी, तो यहाँ पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या वाकई में इसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं कि ये स्टॉक मई के महीने में 75 रुपए से रिवर्ट बैक करके 210 रुपए के आसपास तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑल टाइम चार्ट देखने से क्लियरली ये पता चल रहा है कि भाई इसका जो आईपीओ आया था दिसंबर 2019 में आया था, ये आप सब लोगों को मालूम होगा, उसके बाद जबरदस्त इसमें गिरावट आई थी और इसने ऑल टाइम लो टच किया था मई के महीने में, 26 मई के आसपास इसने 75 रुपए का लो टच किया था। उसके बाद जो मार्केट में रिवर्जन हुआ है, रिवर्जन इन द सेंस कि जो मार्केट वापस ऊपर की दिशा की तरफ भागा है, ये स्टॉक एक तरह से देखे तो करीब 3 गुना इसने रिटर्न्स दे दिए हैं मई के महीने के बाद। ठीक है, तो आईपीओ में अगर ये अलॉटमेंट हुई होती तो इवन इस केस में भी आपको 24% के आसपास रिटर्न्स मिल रहे होते। यहाँ पे इस कंपनी स्टॉक के साथ ओवरऑल पॉजिटिव चीज ये है कि भाई एएसएम जीएसएम की लिस्ट में नहीं है और प्रमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग यहाँ पे नहीं हुई, तो आगे हम वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन 2286 करोड़ रुपए के आसपास है और स्टॉक का पी देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में पहुंच चुका है। तो इसकी जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई करंट प्राइस पे क्या हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कितना बेहतरीन है, 18% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 सालों का देखिए 23% के आसपास, डिविडेंड भी पे करती है ये 0.48% के आसपास डिविडेंड यील्ड है और सेल्स ग्रोथ देखिए तो यहाँ पे 10% के आसपास रहा है पिछले 3 सालों का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन 21% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ पर अगर हम डेब्ट की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी देखिए 0.30 के आसपास है और डेब्ट इसका 247 करोड़ के आसपास, करंट एसेट्स इनके पास हैंडसम नंबर है 844 करोड़ रुपए के आसपास। तो इस मामले में भी ये एक बेहतरीन परफॉर्मर है क्योंकि यहाँ पे 2200 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 0 डेब्ट की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं बात इसकी ओवरऑल वैल्यूएशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीजी रेशियो यहाँ पे 0.49 के आसपास है, तो इसको अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में रख सकते हैं इसके हिसाब से। ग्राहम नंबर देखें तो 133 का ग्राहम नंबर और जस्ट डबल के आसपास ये करंट प्राइस पे मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। और पित्रोस्की की बात करें तो अभी पित्रोस्की टू अर्ली होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2019-2020 के आसपास यानी कि 2020 जनवरी के आसपास ये लिस्ट हुआ है, तो अभी टू अर्ली होगा पित्रोस्की स्कोर के हिसाब से इसमें कुछ भी प्रिडिक्ट करना आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल फंडामेंटल्स के हिसाब से जबरदस्त इसके आंकड़े लग रहे हैं और आने वाले समय में ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है फंडामेंटल्स के हिसाब से। इसका ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट देख लेते हैं और देखते हैं कि भाई ये कंपनी किस फील्ड में है और क्या क्या इसके बिजनेस यूनिट्स है। तो आप देख सकते हैं ये इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन के लिए चिलिंग प्लांट, इफिलियंट ट्रीटमेंट प्लांट, कंप्रेस्ड एयर, सॉल्वेंट ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, बोरवेल, फूड इंडस्ट्री के लिए पाइप्स मैन्युफैक्चर करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, एयर कंडीशनिंग, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मैन होल कवर्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो देख सकते हैं कि भाई आने वाले समय में इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। वहीं पे देखें तो ये रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग्स, स्मार्ट सिटीज, टाउनशिप्स, कॉमर्शियल्स, हॉस्पिटल्स, एम्यूजमेंट पार्क्स, होटल्स, रिसॉर्ट्स, बंगलोज, विलाज, तो ये जहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है फिटिंग्स की, पाइप्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल प्रिंस पाइपिंग सिस्टम्स के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से ये पता चलता है कि भाई प्रमोटर के पास 64% के आसपास शेयर होल्डिंग है, वहीं पे पब्लिक के पास केवल 17% के आसपास शेयर होल्डिंग है। तो भाई यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी जो है शेयर अब महंगा हो चुका है। अब धीरे धीरे न्यूज आने लगेगी कि भाई प्रिंस पाइपिंग सॉल्यूशंस एक जबरदस्त कंपनी है, चलो इसमें बाइंग करो, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और हमें लगेगा कि अब तो हमें लॉस हो रहा है भाई, जिस दिन से हमने शेयर में बाइंग करी उस दिन शेयर नीचे जा रहा है, हम इसको सेल करके एग्जिट कर जाएंगे। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि आपके पास एक बेहतरीन मौका देते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उनमें अगर हम शॉर्ट टर्म में लॉस लेकर एग्जिट कर जाएं तो भाई लॉस तो अल्टीमेटली हमारा ही है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हुई है, तो ये एक पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। डीआईएस का देखिए 12% के आसपास होल्डिंग है जून 2020 में, और मार्च 2020 के बाद इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। वहीं पे एफआईएस ने थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग की है जून 2020 के क्वार्टर में। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कि भाई ये स्टॉक जो है कहाँ की तरफ जा रहा है, कितना ऊपर जा सकता है, क्या हमें करेंट प्राइस पे बाइंग करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भाई जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो RSI ऑलरेडी ये ओवरबॉट जोन में था। आप देख सकते हैं इसके बाद इसमें करेक्शन हुआ है, तो करेक्शन होने के साथ साथ RSI जो है जबरदस्त एक ओवरसोल्ड जोन में जा रहा था। उसके बाद देखिए कितना जबरदस्त एक और गिरावट हुई। आप यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो RSI जो है वो अभी भी यहाँ पे 35 के ऊपर की रेंज में चल रहा था। तो ये नहीं स्टॉक में गिरावट हो रही है लेकिन RSI ऊपर की तरफ भाग रहा था। तो आप देख सकते हैं उसके बाद कितने जबरदस्त तरीके से स्टॉक ने एक तरह से रिकवर किया। ठीक है, करेंटली देखें तो क्लियरली ये RSI जो है ओवरबॉट जोन में चल रहा है, तो यहाँ पे किसी भी समय एक आपको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ पे फिर से आपको एक रिवर्जन देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई एक दिन की कैंडलस्टिक चार्ट की बात, इसको हम लगाते हैं एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो थोड़ी सी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये जो इसने एक तरह से वी शेप की रिकवरी ली है, उसके बाद देखिए RSI यहाँ पे ओवरबॉट जोन में चला गया है। ठीक है, तो इसमें कभी भी आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, और करेक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप देखें तो इस मंथ की जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में कैंडल फॉर्म हुई है वहां पे देखिए तो आपको ये टेल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में शुरू हो चुका है। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं दोस्तों कि भाई टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस से कैसे हम अपने आप को रिस्ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हम पेशेंटली वेट कर सकते हैं एक करेक्ट प्राइस का। तो यहाँ पे करेक्ट प्राइस हमारा यहाँ पे होना चाहिए कम से कम 180-190 के आसपास ही आता है, तो थोड़ी सी बाइंग करेंगे। फिर से ये गिरता है यहाँ पे 160 रुपये के आसपास आता है तो फिर से हम बाइंग करेंगे। फिर से 110 रुपये के आसपास आता है तो फिर से हम इसमें बाइंग करेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि भाई अगर हमारे पास पेशेंस है तो एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा हम शेयर मार्केट से कमा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और दोस्तों यहाँ पे किसी तरह का बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है कि भाई आप जाइए ब्लाइंडली बाई करिए। ये एनालिसिस पूरी की पूरी आपके लिए थी ताकि आप क्लियरली डिसाइड कर सकें कि भाई स्टॉक में क्या करना है। और यहाँ पे देखने से ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये स्टॉक आगे चल के एक अच्छा खासा मल्टीबैगर भी बन सकता है।